हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्णमाला क्लासेस। मैं हेमंत पसवाल। आज मैं दो बुक्स का, या फिर कहूँ कि टेक्स्ट बुक और गाइड में क्या फ़र्क होता है, उसको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। क्योंकि बार बार कमेंट्स में आप लोग पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सी पढ़ी जाए, या इन दोनों में से कौन बेस्ट है। तो पहली बात ये कि इन दोनों का कोई कंपेरिजन नहीं है। इसका पढ़ने का अलग पर्पज़ है, इसको पढ़ने का अलग पर्पज़ है। इसके जो राइटर हैं वो कुछ और क्वालिफ़िकेशन रखते हैं, और इसके राइटर हैं वो कुछ और क्वालिफ़िकेशन रखते हैं। तो दोनों का कंपैरिजन अगर मैं करूं तो ये ऐसा ही होगा कि सब्ज़ी और दही का कंपैरिजन। दोनों की क्वालिटीज़, दोनों की प्रॉपर्टीज़, दोनों की प्रोसेस ऑफ मेकिंग दोनों अलग हैं। तो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, पहली बात। तो अगर मैं पहले गुत किताब आज मैं खोलूँगा ही नहीं, बस बाहर से इनके फर्स्ट और लास्ट का जो कंटेंट है उसी से मैं आपको पूरे दोनों का क्रक्स बता दूंगा। तो उपिंदर सिंह की जो बुक है, उपिंदर सिंह की अगर मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करूं, तो ये मैंने बताया था अपने बुक रिव्यू में कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में HOD रह चुकी हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट की, और इन्होंने इनका जो रिसर्च जो काम है जो पूरा का पूरा वो आर्कियोलॉजी पर बेस्ड है। इन्होंने और भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो ये जो है मेनली क्या है, हिस्टोरियन है। और दूसरे अगर मैं इनकी बात करूं तो ये भी अच्छे क्वालिफाइड पर्सन हैं। इन्होंने कहें कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसमें इन्होंने सेकंड रैंक प्राप्त की है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2015 में। UGC नेट में इन्होंने पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है इतिहास में, और RPSC फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता में भी इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। तो इनका जो कंपटीशन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनकी क्वालिफिकेशंस है वो बहुत अच्छी हैं। तो अब आप समझ जाइए कि ये बुक को पढ़ने का पर्पज़ क्या है और इस बुक को पढ़ने का पर्पज़ क्या है। ये जो बुक है या फिर ये जो गाइड है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी किताबों को पढ़कर, उपिंदर सिंह जैसी अन्य जो हिस्ट्री की बुक्स आती हैं उनको पढ़कर, एग्ज़ाम में कौन से फैक्ट्स या फिर कौन सी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, किस तरह से फैक्ट पूछे जाते हैं, उसके लिए पुस्तक लिखी गई है। इन्होंने अपना जो अध्ययन रहा होगा इनका, जो भी इन्होंने पढ़ाई की है एग्ज़ाम्स के लिए, उसके आधार पर इन्होंने यहाँ पर बताया भी हुआ है पूरा का पूरा। तो अगर मैं पहली या फिर दूसरी बुक की बात करूँ तो दूसरी बुक ही इन्होंने यहाँ पर उपिंदर सिंह की उठाई हुई है, जिसके आधार पर इन्होंने अपनी ये पुस्तक लिखी है, प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, उपिंदर सिंह। ठीक है, और जो भी ऑथेंटिक बुक्स जो आती हैं, जैसे झा और श्रीमाली की जो बुक आती है प्राचीन भारत की, और रोमिला थापर की, रणबीर चक्रवर्ती की, रामशरण शर्मा की, तो ये सब बुक्स को भी इन्होंने यहाँ पर जहाँ जहाँ से जिस टॉपिक के लिए इनको अच्छी बुक्स मिल सकती थी वो इन्होंने यहाँ पर यूज करने का प्रयास किया है। इसके अलावा मैं यहाँ बात करूँ उपिंदर सिंह की, तो इन्होंने बुक जो लिखी है उसका पर्पज़ ये था कि जब ये अपना अध्यापन कार्य कर रही थी उस समय पे जो टेक्स्ट बुक के रूप में पूरे हिस्ट्री के अंदर एंशेंट हिस्ट्री के लिए कोई एक टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं थी जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सारे टॉपिक इतने अच्छे से एलेबोरेट करके दिए हुए हैं कि बच्चे को दूसरे जगह पर या दूसरे सोर्सेज पर बहुत ज़्यादा उसको परेशानी ना झेलनी पड़े, इस प्रकार की कोई बुक थी नहीं। रोमिला थापर की बुक है तो वो भी एक कहें कि थोड़ा सा पुराना पॉइंट ऑफ व्यू उसके अंदर है, तो नई रिसर्च उसके अंदर शामिल नहीं की हुई थी। तो नई रिसर्च को शामिल करने के लिए और एक टेक्स्ट बुक कम्प्लीटली बनाने के लिए यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक लिखी गई है। तो और कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हर टॉपिक की इसमें देने का कोशिश किया गया है। तो इसका दूसरा पर्पज़ ये हो गया। अब अगर हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, तब हमारे लिए बुक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर हमने असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और बच्चों को पढ़ाना है, तो भी हम इस बुक को पढ़े बगैर, या फिर वहाँ तो हमें हर टॉपिक के लिए अलग अलग पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, तो एक बेस बुक के रूप में हमें ये हिस्ट्री की बुक, एंशेंट हिस्ट्री की बुक हमें पढ़नी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आप सोचते हैं कि हम एग्ज़ाम तो आप निकाल लेंगे, पप्पू सिंह प्रजापत की बुक पढ़ के डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम्स निकल जाएंगे। मैंने पिछले भी बुक में रिव्यू में भी बताया था कि ये जो है इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा फैक्चुअली रिच है ये बुक, और इसमें शॉर्ट में सब चीज़ों का कहें कि सबसे ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है। तो शॉर्ट में हर चीज़ को समराइज करके और जहाँ पर
सारणी बना के दी जा सकती है, वहाँ पर सारणी बनाकर भी ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स इसके अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स के नाम, ज़्यादा से ज़्यादा साइट्स के नाम इसके अंदर दिए हुए हैं। और वहीं यहाँ पर एलोबरेट करने में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया गया है कि हर चीज़ का जितनी भी डिबेट्स हैं उनको यहाँ पर शामिल कर दें। डिबेट्स इसके अंदर भी शामिल हैं, लेकिन जब आप ये बुक पढ़ोगे तो डायरेक्ट अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हो तो उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है तो। ये बुक पढ़ने के बाद ये बुक इस को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो मैं नहीं कहता कि आप ये पढ़ो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको डायरेक्ट इस पे जाना चाहिए, लेकिन मेरी जो स्ट्रेटजी रही है वो यही है कि पहले इसको पढ़ो और उसके बाद में रिवीजन के लिए इस बुक को यूज करो किसी भी एग्ज़ाम के लिए। बाकी जो बुक है ऑथेंटिक वो तो यही है। ये बुक अभी मैं नहीं कहता कि ये ऑथेंटिक बुक है, क्यों? क्योंकि ये हिस्टोरियन नहीं है, इन्होंने जो बुक लिखी है इन्होंने खुद ने अंदर लिखा हुआ है। इनकी अगर भूमिका पढ़ोगे तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक लिखी गई है, और ये बुक किसी भी एग्ज़ाम के को ध्यान में रखकर नहीं लिखी गई है। लेकिन जब एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो इन गाइड बुक्स के आधार पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये गाइड बुक्स आज इतनी मोटी है, 2 साल बाद आपको ये थोड़ी सी और मोटी दिखेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो चाहेंगे कि और ज़्यादा फैक्ट समाहित करने के कर लिए जाएं, क्योंकि इसके बाद में कोई और बुक ऐसी आ जाएगी मार्केट में जो इसको टक्कर दे रही होगी, तो उससे मुकाबला करने के लिए और ज़्यादा इसके अंदर फैक्ट बढ़ा दिए जाएंगे और फिर कहा जाएगा कि ये बुक है, इसके बाहर कोई फैक्ट नहीं आते। तो जब आप सारे फैक्ट ही इसके अंदर इतने सारे रख दोगे तो उससे बाहर क्या ही आएगा। तो उस वजह से फैक्चुअली रिच ये बुक बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको पढ़ने ही अपने आप में महाभारत है। और दूसरा, ये जो बुक है टेक्स्ट बुक जो होती है उनसे ही एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चंस लिए जाते हैं, उनके आधार पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब आप टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ लोगे, टेक्स्ट बुक को अच्छे से ग्रैब कर लोगे, तो फिर आपको मुझे नहीं लगता है कि कोई आपके क्वेश्चन बचते हैं। सिर्फ आपको रिवीजन करना होता है उन चीज़ों का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी होती है। आदमी का दिमाग है बहुत, इतना भी बड़ा नहीं है कि वो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर समाहित हो जाए और एक एक चीज़ वो रट ले। तो रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको चाहिए तो आप ये ले सकते हैं, और मैंने भी ली हुई है। तो उसका पर्पज़ यही है कि इसके अंदर से मुझे रिवीजन करना है, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये बुक ली है। तो आपको भी इस बुक को अगर लेना है तो वो रिवीजन के ही पॉइंट ऑफ व्यू से ली जाएगी, किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ली जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि पप्पू सिंह प्रजापत की बुक पढ़कर आप अगर अध्यापन कार्य करना चाहते हैं, कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता आप किस तरह के प्रोफेसर हैं, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता उस पर। बाकी यही था कंपेरिजन इसका कि ये जो टेक्स्ट बुक है और ये गाइड बुक है। आपको अगर शंका है तो आप फिर से इसकी एक बार बिब्लियोग्राफी चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर जो मेन रिसर्च करके इस पुस्तक को लिखा गया है, ये बिब्लियोग्राफी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। एंशंट जो इंडिया है उसके फील्ड में आपको, मुझे नहीं लगता है इससे बेहतर बुक मिलती है। तो मैं नहीं कहता हूँ कि आप इसी को पढ़िए, अगर आप आर एस शर्मा भी पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई भी पतली सी किताब भी कोई पढ़ रहे हैं एंशिएंट इंडिया की और साथ में कोई नोट्स से उसको रिवीजन कर रहे हैं तो भी आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली निकल जाएगा। आपको घबराने के लिए या फिर डरने की जो हवा एक बना देते हैं कि आपको यही बुक मार्केट में आज चल रही है तो यही बुक सबसे बेहतर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस उसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसको पूरा कंप्लीट कर लो। कोई फ़ायदा नहीं अगर आप मोटी सारी किताब लेके रख लो और उसको कंप्लीट ना कर पाओ, उसका बार बार रिवीजन ही ना कर पाओ। इसलिए आपका मेन फोकस होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना और फिर उसको वापस से रिवाइज करना। आपको अपने एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। और ये था आज का मेरा, जो शंकाएँ थी आपकी उसके निवारण के लिए मैंने वीडियो बनाया था। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।